क्यों अघोरी साधु मोह माया छोड़ श्मशान में रहते हैं। आपने कुंभ के मेले या श्मशान और दुर्गम स्थानों में साधुओं को तपस्या करते हुए या ध्यान में मग्न रहते हुए देखा होगा। कई बार तो आप इनके लंबे बाल, अजीबोगरीब पहनावे और राख से सने हुए इनके शरीर को देखकर डर जाते होंगे। इन्हें अघोरी कहा जाता है। शिव ने पार्वती को बताए थे जीवन से जुड़े यह चमत्कारी रहस्य। अघोर पंथ साधना की एक शाखा है। शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले साधुओं को अघोरी बाबा कहते हैं। यूं तो अघोरियों का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है। उस समय वाराणसी में अघोरियों का जन्म हुआ था, लेकिन आज इनकी संख्या काफी कम हो गई है। अघोरियों की सबसे पहली पहचान यही है कि वे किसी से कुछ नहीं मांगते। दूसरा यह कि वे जल्दी से दिखाई नहीं देते। शमशान में रहने वाले अघोरी साधुओं को कुंभ में देखा जा सकता है। शिव को क्यों प्यार है शमशान से? दिमाग से जुड़ी है ये बात। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु भी समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अघोर यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरियों का वास्तविक रूप देखकर एक बार के लिए आप डर सकते हैं। आइए जानते हैं दुनिया और समाज से दूर एकांत और श्मशान में रहने वाले इन अघोरी साधुओं से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। शिव का रूप कहा जाता है अघोरियों को। अघोरी साधुओं का शिव का रूप कहा जाता है। इसलिए यह भी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप है। शिव जी के 5 रूपों में से अघोर एक रूप है। अघोरियों के बारे में हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा रहती है। आम इंसानों से दूरी बनाकर रहने वाले ये साधु भांग धतूरे के नशे में रहते हैं। इन्हें जीवन यापन करने के लिए किसी सुख सुविधा की जरूरत नहीं होती। यौन क्रियाओं से मिलती है शक्तियाँ। घोरी बाबाओं का मानना होता है कि वो अगर मृत शरीर के बीच में किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो उससे अलौकिक शक्तियाँ पैदा होती हैं। सेक्स करने के दौरान अगर तीव्र ध्वनि में किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाए और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो इन्हें असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किसी महिला से बलपूर्वक यौन संबंध न बनाया जाए और साथ ही महिला यौन संबंध बनाते हुए मासिक धर्म की स्थिति में होनी चाहिए। इससे इनकी शक्तियों में इजाफा होता है। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा। नर मांस खाने के लिए जाने जाते हैं ये लोग। अपने खाने की आदतों की वजह से काफी जाने जाते हैं ये लोग। कुछ भी खा लेते हैं, सिर्फ गाय के मांस का परहेज करते हैं, बाकी ये लोग कुछ भी खा लेते हैं। रुखी सूखी मिले तो रुखी सूखी, वरना ये लोग मानव शव भी खा लेते हैं। ये लोग जलाकर या कच्चा मांस भी खा लेते हैं। माना जाता है कि कच्चा मांस खाने से इन्हें अलौकिक शक्तियाँ मिलती हैं जो इन्हें भगवान शिव के समीप ले जाती हैं। मृत लोगों से भी कर सकते हैं बात। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती धूप लगाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए वह चिता के और अपने चारों ओर लकीर खींच देता है। कहा जाता है कि इनके पास काली शक्तियां होती हैं और ये लोग मृत लोगों से बात सकते हैं। इनका आशीर्वाद होता है वरदान। ऐसी मान्यता है कि अघोरी साधु हर किसी को जल्दी से आशीर्वाद नहीं देते। यदि ये किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि पहले तो अघोरी किसी को कोई वचन नहीं देते। अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। यदि ये किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे। क्रोधित होने पर ये अपना तांडव दिखा देते हैं। 3 तरह की साधना करते हैं अघोरी। साधना 3 प्रकार की होती है, यानी अघोरी साधु श्मशान में 3 तरह की साधना करते हैं। पहली श्मशान साधना, शव साधना और तीसरी शिव साधना। ऐसी मान्यता है कि शव साधना के बाद मुर्दा भी बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। शिव साधना में शव के ऊपर खड़े रहकर साधना की जाती है। शमशान साधना में परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है। समाज की घृणा को अपनाते हैं। जिनसे समाज घृणा करता है अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग श्मशान लाश मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु श्मशान में कुछ दिन गुजारने के बाद जंगल या हिमालय की तरफ पलायन कर लेते हैं। ये 5 मन नियम है जरूरी। अघोरी जीवन सरल नहीं होता है। हर अघोरी को अपने जीवन में 5 कड़े नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ये 5 नियम म शब्द से संबंधित होते हैं। म से मोक्ष होता है, इसलिए इनका जीवन इस शब्द के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मद्या शराब या ऐसा द्रव्य पदार्थ जो मस्तिष्क की ग्रंथियों में घुल जाता है। ममसा मांस मत्स्य जुड़वा मछलियों की संरचना जो मिलकर 8 का अंग बनाती हो, यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। मुद्रा योग से जुड़ी अलग अलग तरह के आसान। कुंडलिनी योगा जो कि प्राचीन काल से अघोरी मानते हुए आ रहे हैं।
मैथुन संभोग की क्रिया जो किसी गुरुवार से सीखनी जरूरी होती है। निर्वाण के लिए मरिजुआना, अघोरी निर्वाण पाने के लिए काफी मात्रा में मरिजुआना का ग्रहण करते हैं। यह एक प्रकार की नशीली औषधि होती है। ये इसको खाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ऐसा करके उन्हें आध्यात्मिक संतोष मिलता है।